फ्रेंड्स, मैं रंजीता और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं चाट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड चना चाट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये काबुली चना लिया हुआ है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, इसे आप छोला चना भी कह सकते हैं। और ये मैंने मीठा दही लिया हुआ है जिसमें मैंने एक चम्मच चीनी मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 ब्रेड लिया हुआ है और 2 उबले हुए आलू। और ये मैंने यहाँ पर अनारदाने, टमाटर जिसको मैंने छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लिए हैं। और यहाँ पे थोड़े से मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा मूली है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे हरी धनिया पत्ता। और हमने चाट बनाने के लिए कुछ मसाले लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये धनिया पाउडर और ये आमचूर पाउडर। यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है और ये थोड़ा सा नमकीन सेव और जीरा पाउडर। मैंने लाल चटनी ली हुई है, मीठी चटनी। और यहाँ पर मैंने ये हरी धनिया चटनी लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया, आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन का यूज कर रही हूँ। तो मैंने पैन को गर्म कर चुकी हूँ और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, 1 चम्मच। अपने यहाँ काबुली चने डाल देंगे इसी में। चला लेंगे हम। अब ये इसे उबले हुए आलू को थोड़ा सा मैश करके डाल लें, आप चाहे तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। इस तरह से मैश कर रहे हैं। चम्मच की हेल्प से इनको भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे। डालेंगे अपने मसाले, लाल मिर्च पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला। तो चलिए इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं तो हम देख लेते हैं कितने ये चने, तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे रोस्ट, तो ये देखिए कितने क्रिस्पी से हमारे ये बने हुए हैं। तो चलिए हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैंने ये लिया है ब्रेड, तो इसके हमें किनारे के साइड्स को इस तरह से निकाल देंगे। चारों तरफ से पीसेस में काट लेंगे। आप अपने मन अनुसार पीसेस कट कर सकती हैं। ये देखिए हमने इस तरह
से पीसेस को कट कर लिया। तो इसी तरह हम उनको भी इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें बना लेने हैं सारे पीसेस को। ये देखिए हमने ट्रिंकल शेप में काट लिया। आप अपने मनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो चलिए हम उनको प्लेट में इस तरह से सजा लेंगे। हम ये अपने छोले डालेंगे, छोले मसाले। थोड़ा सा देखें कटी प्याज, टमाटर बारीक कटे हुए, कद्दूकस की हुई मूली, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं, तो बार फिर से स्लाइसेस में रखेंगे इस तरह से। ये बच्चे आलू रखेंगे फिर छोले। अब डालेंगे दही। दही चारों तरफ से अच्छी तरह से हम डाल देंगे बढ़िया से। अब डालेंगे हरी चटनी। अब डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी अपनी कम या ज़्यादा अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़े से अनारदाने से सर्व करेंगे, सजाएंगे अपनी चाट। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब धनिया, हरी धनिया डाल रहे हैं और थोड़ी सी डालेंगे नमकीन सेव। आपके पास जो भी नमकीन हो उससे सजा लीजिए। बढ़िया सी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। थैंक यू। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।